दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया। साल 2023 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पूरे संसार के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर चार साल के लंबे इंतजार के बाद हमें यह शानदार टूर्नामेंट देखने को मिलता है। और अब की बार होने वाला वर्ल्ड कप थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार बीसीसीआई पूरे के पूरे इवेंट को भारत में होस्ट करने के लिए जा रही है, जिसके चलते काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये टूर्नामेंट होने वाला है। पर जस्ट अभी कुछ देर पहले ही वर्ल्ड कप 2023 के कार्यक्रम के रिगार्डिंग हमें आईसीसी की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है। और इस वीडियो में आपको आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी ए टू जेड हर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे कि किस तारीख से कौन सी कंट्री में किन किन स्टेडियम में हमें यह जबरदस्त महामुकाबला देखने को मिलेगा, कौन कौन सी टीमों ने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया है, पाकिस्तान के साथ जो इश्यू था उसके ऊपर क्या अपडेट निकल कर आया है। यानी भाई आपको यहां पर वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग हर अपडेट इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वर्ल्ड कप की सब इंफॉर्मेशन पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक प्रमोशनल क्लिप जरूर देख लीजिए। मैच से पहले टीम बनाओ और उसके बाद मैच टाइम में क्या, बस ऐसे नॉर्मल ऑडियंस की तरह मैच देखो तो खेलो। विंजो पर प्लेयर एक्सचेंज, आप खरीद और बेच सकते हो प्लेयर स्टॉक्स जो रियल टाइम मैच परफॉर्मेंस के बेसिस पर बढ़ते और कम होते हैं। यानी अब बस मैच देखो ही नहीं, साथ में खेलो भी। तो जाओ विंजो पर, मैच टाइम को कैश करो और हर बॉल पर माला माल बनो। अभी डाउनलोड करो विंजो ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलिए अब हम फटाफट बात कर लेते हैं आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान इश्यू के बारे में। तो आपको बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट भारत में होस्ट होने के लिए जा रहा है, और भारत की टीम ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान ट्रेवल करने से इंकार कर दिया था। पाकिस्तान के पास एशिया कप के होस्टिंग राइट थे, जिसके बाद भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐसी धमकी दी थी कि अगर यहां पर भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर एशिया कप नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगी। पर उस पूरे मामले का सोल्यूशन, फाइनल कंक्लूजन आ चुका है, जहां पर पाकिस्तान की टीम भारत ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीम्स के बारे में। तो आपको पता है कि भाई आईसीसी ओडीआई सुपर लीग चलती है, जहां पर उनकी पॉइंट्स टेबल को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। टॉप 8 टीमें यहां पर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के सुपर 10 में क्वालिफाई करती हैं, जो आपकी यहां पर है आपकी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। और बाकी जो नीचे की 5 टीमें बच गई हैं, इन 5 टीमों के बीच हमें 2 पोजीशंस के लिए क्वालिफायर महामुकाबले देखने को मिलेंगे, और किस इस तरह से यहां पर सुपर 10 के लिए 10 टीमें डिसाइड की जाएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेन्यूज के बारे में। तो भारत के 12 वेन्यूज पर हमें आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के सभी महामुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। सभी वेन्यूज की पूरी लिस्ट को आप सभी लोग मेरे साइड में स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर भाई हमें आपके अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, धर्मशाला, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर, मुंबई और राजकोट, इन 12 स्टेडियम्स में हमें वर्ल्ड कप के महामुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट एंड शेड्यूल के बारे में। तो भाई आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि मिड ऑफ अक्टूबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा, मिड ऑफ नवंबर में यह टूर्नामेंट समाप्त होगा। फाइनल महामुकाबला में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त महामुकाबला हमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही देखने को मिलने वाला है। अभी तक इस टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आईसीसी और बीसीसीआई की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होगी, जिस मीटिंग के बाद आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पूरा कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया जाएगा। और जैसे ही उस वक्त पर बीसीसीआई पूरे कार्यक्रम को रिवील करती है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। फिलहाल जो पाकिस्तान टीम के साथ इशू था, वैसे पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है, और पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत ट्रेवल करने वाली है। लेकिन आपके मुताबिक कौन सी टीम बनेगी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की चैंपियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।